पांच का वरदान निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। इस ब्राह्मण जन्म में मुझ आत्मा का ये परम सौभाग्य है जो मैंने इन चर्म चक्षुओं से महान आत्माओं को आदि रत्नों को देखा है, उनके मस्तक के चमकते हुए सितारे को देखा है, उनके नयनों की दिव्यता को देखा है, जिसमें आत्मिक भाव, प्रेम भाव, समभाव समाया था। उनकी मधुर और रूहानी मुस्कान को देखा है, उनके मुख से महावाक्यों को सुना है, मैं आत्मा इतनी भाग्यशाली हूं जो मैंने आदि आत्माओं के कर्मों को बहुत नजदीक से देखा है। निमित्त भावना को निर्माणचित स्थिति को एक बल एक भरोसे को महसूस किया है। मन की दृढ़ता को एकाग्रचित स्थिति को और उस योग युक्त अवस्था को अनुभव किया है। तन मन धन के संपूर्ण त्याग को उन निमित्त आत्माओं की अथक सेवा को निस्वार्थ स्नेह को उस अपने पन को सर्व के सहयोग पन के दृश्यों को हर प्रैक्टिकल कर्म को इन नेत्रों से मैंने देखा है, फील किया है, उस अलौकिकता को, दिव्यता को, रूहानियत को
जो उनके नस नस में भरी हुई थी, उस देही अभिमानी निरंतर योगी स्थिति को जो हर पल आज भी मुझे प्रेरणा देती है, जो वरदान के समान मुझे बाप समान बनने की शक्ति देती है, कर्म करते योग युक्त रहने की एक शिव बाबा के संग रहने की दिव्य गुण मूर्त बनने की समर्थता देती है, महसूस करें निमित आत्माओं को देखकर उनके जीवन से मिले हुए इन गुप्त वरदानों को जो स्वतः ही मैंने अपने संस्कारों में धारण कर लिए, ये शक्तियां ये वरदान मुझे भी उन्हीं के समान मास्टर वरदाता बना रहे हैं। शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, सर्व के प्रति कल्याणकारी भावना, दातापन की भावना, शक्तिहीन को शक्तिशाली बनाने की क्षमता, अधिकार के रूप में मेरे अंदर समा गई है। महसूस करें इस शक्तिशाली स्थिति को जो प्रेरणा के रूप में मुझे निमित आत्माओं से मिली है। फील करें इस मास्टर वरदाता स्थिति को